बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का शुभारंभ। सत्र में महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार। सत्र के हंगामेदार होने की पूरी संभावना। नीति आयोग की रिपोर्ट पर बिहार में सियासत तेज। मंत्री अशोक चौधरी ने उठाए सवाल, बोले उनका क्या मानक है जरा हमें बता दें। नियुक्ति की मांग को लेकर आज से आंदोलन पर शिक्षक अभ्यर्थी, नियुक्ति पत्र मिलने तक डटे रहने का किया ऐलान। पंचायत चुनाव के 9वें चरण का मतदान जारी, 35 जिलों के 53 प्रखंडों में वोटिंग। ठंड के बावजूद बूथों पर लंबी कतारें। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है। 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलेगा। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर फूल अर्पित कर इसकी शुरुआत की है और मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि इस बार शांतिपूर्ण तरीके से शीतकालीन सत्र चलेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि विपक्ष और सरकार दोनों मिलकर सत्र चलाएंगे। जिस तरीके से पिछली बार 91% सवालों का जवाब मिला था, इस बार भी हमारा प्रयास रहेगा कि तमाम उन सवालों का जवाब मिल सके। ये 17वीं विधानसभा जब से शुरू हुई है तो सदन के पूर्व हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को और अपने दोनों प्रथम अध्यक्ष जो रहे आजादी के पूर्व आजादी के बाद, हम चित्र पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं। परंपरा तो चल रही है, अपनी विरासत को याद करना और अपनी विरासत से प्रेरणा प्राप्त करना हमारी संस्कृति का पाठ रहा। शीतकालीन सत्र कितने बेहतर तरीके से चलेगा सर? हमें उम्मीद है कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण बिहार के माननीय विधायकों ने जो गौरवशाली इतिहास रच रहा है उसको मानसून सत्र में आपने देखा है कि बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से इन्होंने और सरकार की सजगता, विधायक की गंभीरता ने एक इतिहास रचा, उसको आगे बढ़ाना है मिलकर करके। सब लोगों का सहयोग और कोऑपरेशन भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानमंडल के शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह और विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा से शिष्टाचार मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आज से 5 दिवसीय विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और इससे पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा और विधान परिषद में जाकर दोनों ही दिग्गजों से मुलाकात की है। विधानसभा अध्यक्ष विजय अशोक जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात की और इसके साथ ही विधान परिषद के जो कार्यकारी सभापति हैं उनसे भी अवधेश नारायण सिंह से मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा से भी मुलाकात की। हालांकि विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये भी कहा है कि पहले की तरह जैसे 91% सवालों के जवाब दिए गए थे मानसून सत्र में, उसी के आधार पर इस बार भी शीतकालीन सत्र बेहद आराम से चलेगा और इस पर कोई हंगामेदार होने के कोई आसार नहीं दिखेंगे क्योंकि सरकार और विपक्ष यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर विधानमंडल का ये सत्र चलाएगा, वो भी बेहद शांतिपूर्ण तरीके से। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनका क्या मानक है जरा वो भी हमें बता दें क्योंकि बिहार लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। नीति आयोग का जो मामला है, नीति आयोग ने क्राइटेरिया नहीं डिस्क्लोज किया है। ऑन विच क्राइटेरिया ही सेइंग बिहार इज ऑन द लास्ट स्टेज, वो तो क्राइटेरिया बता नहीं रहे हैं। 15 साल का जो हमारे पास आंकड़ा है, जो हम लोग कह रहे हैं कि कैसे हमने इस 15 वर्षों में हमने बिहार को डेवलप किया, आप इंडिया टुडे का सर्वे देख लीजिए, आप नीति आयोग को मांगिएगा कि इंडिया टुडे के सर्वे, इंडिया टुडे इज ऑल्सो अ क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन, उसके सर्वे को मानिएगा। उसने सर्वे में कहा है कि बिहार ने एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें नाम है और नंबर पहला नंबर दिया है। तो आप नीति आयोग का जो क्राइटेरिया है वो डिस्क्लोज करें नीति आयोग। और हम तो बार बार कह रहे हैं कि हाँ वी नीड सेंट्रल असिस्टेंस, हमको सेंट्रल असिस्टेंस मिलना चाहिए। व्हाई नीति आयोग इज नॉट क्रिएटिंग अ सेंट्रल असिस्टेंस फॉर बिहार इफ ही फील्स दैट बिहार इज ऑन अ लास्ट स्टेज। अगर हम ये कहते हैं कि इतने प्रयास के बावजूद भी जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसमें हमने प्रयास किया, ऐसा तो है नहीं कि 15 साल में हमने बिहार को गर्त में बैठा दिया। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने शराबबंदी कानून को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून सख्ती से लागू है और सरकार का सबसे प्रभावशाली ये कानून है।
शराबबंदी बिहार में बंद है और ये बिहार का समझिए सबसे प्रमुख योजना है और सख्ती से प्रशासन इसको निपट रही है। तो क्यों अचानक क्यों बदल गया आपका? अचानक कहाँ बदला है, सरकार कार्रवाई सरकार का उस दिन भी हम प्रशंसा किए थे कि नेक काम है, बड़ा सुंदर काम है। लेकिन आपने तो कहा था कि समीक्षा करना चाहिए, 5 साल हो चुका है। 16 तारीख को तो समीक्षा हुई थी उस पर, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो आपका उसके बाद आपका स्टेटमेंट आया था कि नहीं अब कुछ नहीं हो रहा। तो मेरे स्टेटमेंट पर ही सरकार इतना गंभीर होकर के इतना छापा पड़ रहा है, देखें कि लोग पकड़ा रहे हैं। तो आप सुन सकते हैं बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, उन्होंने ये बयान दिया है कि उनके स्टेटमेंट पर बिहार सरकार सजग हुई है, नीतीश कुमार सजग हुए हैं और इसलिए पूरे बिहार में शराबबंदी को लेकर छापेमारियां चल रही है। हालांकि कुछ दिन पहले उन्होंने ये बयान भी दिया था कि बिहार में शराबबंदी कानून अगर नहीं पूर्ण रूप से सफल हो पा रहा है तो मुख्यमंत्री को इसे वापस लेना चाहिए, लेकिन अब वो अपने बयान से पलट गए हैं। चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे। बघा के पिपरासी के 7 गांवों को उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के 7 गांवों को बिहार में अदला बदली करने को लेकर लोगों में नाराजगी है। इसको लेकर वाल्मीकि नगर विधायक रिंकू सिंह ने बयान देते हुए कहा कि बिहार के गांव सभी मूलभूत सुविधाओं से संपन्न है, इस मुद्दे पर नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे, बिहार के गांवों को बिहार में ही रहने देने का अनुरोध करेंगे और विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी इस मुद्दे को वे उठाएंगे। चीज़ का मैं तो कभी माननीय मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि जो बिहार का जो गांव है उसको कभी भी उत्तर प्रदेश में नहीं दिया जाए, क्योंकि जिस समय इन गांवों को उत्तर प्रदेश में जाने की आवश्यकता थी, जिस समय इस गांव में आधारभूत संरचनाओं का अभाव था, जब उस समय जाने की आवश्यकता थी तो उस समय इस गांव को उत्तर प्रदेश को नहीं दिया गया। तो आज तो ये गांव कहीं भी उत्तर प्रदेश से अत्यंत उन्नत है और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गाँव से इन गाँवों में विधि व्यवस्थाएँ जो या आधारभूत जो संरचनाएँ होती है वो काफ़ी ऊपर है और ये गांव के लोग हैं जो इनका सदियों से आज से नहीं ये यहाँ पे इनकी कई पीढ़ियाँ यहाँ पे रह गई हैं, तो ये अभी भी अपने को बिहार से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अपने को बिहारी महसूस करते हैं, तो ये कभी भी अपने को उत्तर प्रदेश में जाना पसंद नहीं करेंगे और मेरा भरसक प्रयास होगा कि जो 7 गांव पिपरासी का है वह कभी भी उत्तर प्रदेश में नहीं मिलाया जाए और उत्तर प्रदेश में नहीं जाए। चलिए बड़े खबरों में आगे। रोहतास जिले के 2 प्रखंडों में 9वें चरण के मतदान की प्रक्रिया चल रही है। दिनारा प्रखंड में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है तो वहीं मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड में शांतिपूर्ण मतदान चल रहे हैं। प्रखंड के कई युवा पहली बार इसमें वोट कर रहे हैं, आप ये तस्वीर देख सकते हैं, 2 तस्वीरें अलग अलग रोहतास और मधुबनी की, जहां रोहतास में बुजुर्ग भी बढ़ चढ़ कर पंचायत चुनाव में मतदान कर रहे हैं तो एक तरफ मधुबनी की तस्वीर जहां आपको पुरुषों से ज्यादा महिला मतदाताओं की तस्वीर दिखेगी। इस बार चाहे वो बिहार विधानसभा का उपचुनाव हो, बाय इलेक्शंस हो या फिर पंचायत चुनाव के तमाम चरण, इसमें महिला मतदाताओं की जो वोटिंग परसेंटेज रहे वो पुरुषों से ज्यादा रहे। और इस बार की तस्वीर मधुबनी में भी आप देख सकते हैं और रोहतास, ये 2 अलग अलग जिलों की तस्वीर जहां पर 35 जिलों के 53 प्रखंडों में मतदान कराया जा रहा है, पंचायत चुनाव का 9वें चरण का मतदान हो रहा है। तो पंचायत चुनाव के 9वें चरण का मतदान जारी है। जिले के 2 प्रखंड वारिसनगर और कल्याणपुर में आज वोटिंग हो रही है तो मतदान को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह है। वारिसनगर के उच्च माध्यमिक विद्यालय हांसा में मतदाताओं की सुबह से ही लंबी कतारें लगी तो ठंड के बावजूद भी लोग गांव की सरकार बनाने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। तो वहीं भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड में भी मतदान चल रहा है, मतदाता इसमें बढ़ चढ़कर अपने मतों का प्रयोग कर मतदान केंद्र पहुंचे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यह भागलपुर का पीरपैंती प्रखंड है जहां पर पंचायत चुनाव के 9वें चरण का मतदान हो रहा है और इसमें भी मतदाताओं में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। तो भागलपुर के बाद अब आपको मुजफ्फरपुर लिए चलते हैं जहां मुजफ्फरपुर में भी कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान की प्रक्रिया चल रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की कड़ी व्यवस्था देखने को मिल रही है तो वोटिंग को लेकर मतदाताओं में गजब का ही उत्साह है। नालंदा थाना क्षेत्र के मनियावा गांव में चावल का पीठा खाने से एक ही परिवार के 1 दर्जन से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जबकि इलाज के दौरान एक 14 वर्षीय बालक की मौत हो गई। मृतक बबलू मिस्त्री का बेटा शिवम कुमार बताया गया। घटना के बारे में विनोद मिस्त्री ने बताया कि उनके घर में चावल का पीठा बना था, पीठा को खाने के बाद कुछ देर में सभी की तबियत बिगड़ने लगी जिसके बाद सभी को आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया जिसके बाद बालक की मृत्यु हो गई। अभी तो जो भी लोग आए हैं हमारे पास उनकी कंडीशन ठीक है, वो हालात मतलब कंट्रोल में है और अभी तक तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं लग रही है,
फिलहाल। कोराय और मनियामा दो जगह के आदमी हैं। मनियामा में हुए घटना है, पिट्ठा जो गांव घर में बनाते हैं उसी में बनाएं और खाएं तो सारे लोग के दर्द उल्टी होना शुरू हो गए, तो सभी लोग सदर हॉस्पिटल बिहार शरीफ में आए हैं। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, आप मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।